बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.8 हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.8 जो है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस इसमें आती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ज़्यादातर होंगी इसमें। ठीक है, उनको हमने सॉल्व करना होगा। इससे पहले टॉपिक में हम देख चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो अब हम उसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, तो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि हमें यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस गिवन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन या उसका सलूशन है। तो पहला पार्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले पार्ट में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस y। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और उसके अगेंस्ट हमें इसका सलूशन भी गिवन है, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चेक ये करना है, चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट सॉल्यूशन। मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अगेंस्ट जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इसकी इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये हमने चेक करना है। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो देखें, हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने क्या किया था कि सेपरेबल बना के हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आती थी। ठीक है, तो मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या होता है, एक इक्वेशन ही होती है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, हमने ये चेक करना है कि ये इसके सलूशन है या नहीं। तो मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम चेक कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक मतलब ले लेते हैं, एक अलजेब्रिक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7। सपोज ये एक सिंपल से मैंने इक्वेशन ली है, अलजेब्रिक इक्वेशन है ये। तो इसमें हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो 5 है। सपोज इसके अगेंस्ट इसका सोल्यूशन भी दे दिया गया, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन गिवन है, साथ में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है, यानी कि ये x इक्वल 5 इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको x की जगह पुट कर दूंगा वैल्यू इसको, यानी कि x की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज इक्वल टू 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे यस इट इज सोल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, ये मैंने नॉट इक्वल लिख दिया लेकिन इक्वल आया। ठीक है, तो मतलब कि ये इस तरह से चेक हो गया कि ये सोल्यूशन है या नहीं। अगर मुझे दिया होता x इक्वल टू 3, ठीक है, तो मैं किस तरह से चेक करता, दोबारा मैं x में पुट करता 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 5 और ये 7 है, तो ये नॉट इक्वल टू 7 है। मतलब कि मैं कहूंगा कि ये जो x इक्वल टू 3 है ये सोल्यूशन नहीं है, x इज इक्वल टू 5 जो है ये सोल्यूशन है। ठीक है, ये हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो होगा इसमें। ठीक है, चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक उसका सोल्यूशन गिवन है। ठीक है, और कहा गया कि आपने चेक करना है कि क्या ये वाकई इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, देखें यहाँ पर अब वाई है सी एक्स माइनस 1 में अगर पुट करता हूँ तो हमारे पास मतलब हम प्रूव नहीं कर सकते लेफ्ट साइड और राइट साइड को। हम इसको कैसे फिर चेक करेंगे, हमने तो वहाँ देखा, हमने सिंपली वहाँ पर y की जगह या x की जगह पुट कर दी उसकी वैल्यू जो हमें सॉल्यूशन में गिवन थी। ठीक है, उसकी ओरिजिनल इक्वेशन में हमने पुट कर दी और हमने चेक कर लिया कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है नहीं। चलिए हम इस तरह से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमने वो चेक किया था इसको भी चेक कर लेते हैं, x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस y। अब यहाँ पर y
ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं इसमें वाई पुट कर देते हैं, वन प्लस सी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहां से तो हमारे पास अभी तक इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो मतलब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो इसके लिए यूज करेंगे। ये यूज कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड चले हम लेते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स, और वाई हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि वाई का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी माइनस जीरो, ठीक है, ये एक्स है इसका वन हो जाएगा, और सिर्फ इसका यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर आप फाइंड करें इसका, तो यहाँ पर आपके पास इज इक्वल टू सी आ जाता है। चलें यहाँ पर पुट कर देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड कर लिया इज इक्वल टू क्या है, सी है, ठीक है, राइट साइड में एज इट इज लिख देता हूँ वन प्लस वाई, और यहाँ पर भी एज इट इज वन प्लस वाई लिख देते हैं। अच्छा अब क्या करना है कि एक्स इंटू सी हमारे पास आ चुका है, एक्स इंटू सी इज इक्वल टू वन प्लस वाई, अभी तक हमारे पास यानी कि इक्वल रिजल्ट नहीं आया लेफ्ट साइड और राइट साइड का, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि सी एक्चुअली है किसके इक्वल, ठीक है, सी एक्चुअली है किसके इक्वल, तो हम ये चेक कर लेते हैं। चले सी जो है यहाँ से हम फाइंड करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सी आ जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सी की वैल्यू यूज करते हैं, और यहाँ मतलब कि यहाँ पर मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो हमारे सॉल्यूशन से आई है, ठीक है, तो एक्स इंटू क्या है वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई। अब आपने लेफ्ट साइड पे जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने राइट साइड को नहीं छेड़ना, ठीक है, राइट साइड को एज इट इज आपने रखना है, उसमें वैल्यूज पुट नहीं करनी, हम लेफ्ट साइड अगर ली है और लेफ्ट साइड पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो सिर्फ उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसको किसी तरह से राइट साइड के इक्वल लेके आएंगे अपने सॉल्यूशन के हेल्प से, जो हमें सॉल्यूशन गिवन वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे ये होगा, देखें एक्स जो है वो एक्स के साथ यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बाकी क्या बचा, यहाँ पे वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस वाई, या फिर इसको आप रीअरेंज करें तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई, यानी कि आप यहाँ पर देखें आप तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई, यानी कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बिल्कुल इक्वल आ चुकी है, ठीक है, तो हम यहाँ से फिर कह सकते हैं यस इट इज अ सॉल्यूशन, यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, क्या इट इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डी ई कह देता हूँ, तो मतलब कि हमने यही प्रूव करना था कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या फिर नहीं है, तो हमने ये प्रूव कर लिया। किस तरह से प्रूव किया कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कि यहाँ पर है क्या क्या, ठीक है, एक्स तो एक्स ही रहेगा, उस यहाँ से तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करके यहाँ नहीं पुट करूंगा, अगर पुट करूंगा भी तो हमारे पास डी वाई और डी एक्स की वैल्यू एज इट इज रहेगी, यानी कि उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उस एक्स को मैंने एज इट इज रखा, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली अपने सोल्यूशन से, और वो वैल्यू फाइंड करके मैंने यहाँ पुट की, फिर भी हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड का रिजल्ट इक्वल नहीं आया, मतलब कि यहाँ पर सी जो था वो अननोन था, मतलब हमें पता नहीं था क्या है, तो हमने ऐसा किया कि सी की जगह फिर हमने क्या यूज किया, यानी कि सोल्यूशन पे मैं वापस किया और सोल्यूशन पे मैंने चेक किया सी किसके इक्वल है, वहां से मैंने सी की वैल्यू कैलकुलेट की और कैलकुलेट करके यहाँ पर दोबारा से मैंने सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और जब पुट कर दी तो हमारे पास जो है रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, मतलब कि हमने सॉल्यूशन की मदद से अपनी जो गिवन इक्वेशन थी ओरिजिनल इक्वेशन जिसे आप कह सकते हैं जिसका सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दी, मतलब कि ये वाकई ही इसका सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव कर दिया, ठीक है, ये तो था पार्ट नंबर वन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर टू पर, ठीक है, पार्ट नंबर टू क्या है ये देखते हैं, पार्ट नंबर टू भी सेम क्वेश्चन सेम ही है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई प्लस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और इसके अलावा यहाँ पर हमें इसका सोल्यूशन भी गिवन है वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस वन ओवर एक्स, ठीक है, तो ये इसका जो है जनरल आप इसे कह सकते हैं जनरल सोल्यूशन हमें गिवन है, ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। अच्छा
तो हमने चेक ये करना है कि ये जो हमें इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन जो गिवन है ये वाकई इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर वन में यानी कि पार्ट नंबर वन में हमने देखा था, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई प्लस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। चले हम ऐसा करते हैं कि अपना सोल्यूशन लेते हैं, जनरल सोल्यूशन वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस वन ओवर एक्स। अब हमने अपनी इक्वेशन देखी देखी जो गिवन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें डी वाई ओवर डी एक्स मौजूद है, मतलब क्या हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा इसका, इससे हमें डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, मैं पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ, इसको वन ओवर एक्स को मैं कह देता हूँ एक्स पावर माइनस वन। तो चले अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, वाई स्क्वेयर पे पावर लग जाएगा यानी कि टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इसका डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो माइनस, अब ये देखें इस पे भी पावर रूल लगेगा, ठीक है, एक्स की पावर माइनस वन है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स पावर माइनस टू इंटू वन। ठीक है, तो मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये दो टर्म्स हैं, इनमें डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो चलें हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन मैंने ले लिया। उसके अलावा फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, टू वाई, और सेकेंड टर्म में वन बचेगा, टू वाई प्लस वन इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और एक्स पावर माइनस टू इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में, तो वन ओवर एक्स स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव इस वजह से हो गया इन दोनों साइंस की वजह से, और इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर गया तब इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, डेरिवेटिव जब हमने लिया अपने सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन हमें इक्वेशन गिवन थी उसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास टू वाई प्लस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर आ चुके हैं। अब हम अपने मतलब के डिफरेंशियल इक्वेशन पे वापस चलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप अगर देखें तो टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म ऑलरेडी मौजूद है, मतलब कि हम इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, वन ओवर एक्स स्क्वेयर है, तो चले हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू वन ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, डी वाई ओवर टू वाई प्लस वन इंटू डी वाई डी एक्स की जगह मैंने वन ओवर एक्स स्क्वेयर पुट कर दिया, उसके बाद क्या है, माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है हमारी। तो लेफ्ट साइड पे हमने पुट किया, चले हम चेक करते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आता है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब वन माइनस वन जो है वो जीरो ही होता है, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ चुका है, मतलब के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, किसकी मदद से आई है, हमारा जो सोल्यूशन इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर हमने यहाँ पर पुट कर दिया उसकी वैल्यू, और हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो मतलब कि इससे भी हमें पता चलता है कि ये वाकई इसका सोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल की हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम लिखेंगे यस इट इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी ई, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर टू, इसी तरह से टोटल इसके पांच पार्ट्स हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक और मजीद पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर फोर कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर फोर में हमें गिवन है वन ओवर एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके अलावा हमें ये एक तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका सोल्यूशन भी हमें गिवन है, वाई इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसका सोल्यूशन है या नहीं है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम जिस तरह से पहले दो पार्ट्स में हमने चेक किया उसी तरह से हम इसको भी लेकर चलेंगे। इस इक्वेशन को लेता हूँ
अपने सॉल्यूशन इक्वेशन को y इज इक्वल टू c इनटू e रेस्ट टू पावर x के। अच्छा ये तो मैंने सॉल्यूशन इक्वेशन वैसे ही लिख दी, ठीक है। अब आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन देखें जिसका हमें सॉल्यूशन चेक करना है कि इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसमें चेक करें तो dy और dx मौजूद है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये हमें फाइंड करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन इक्वेशन से, फिर हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि बोथ साइड्स पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पर सी जो है कांस्टेंट है, कॉफिशियंट है, बाहर ले आते हैं, ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वेयर का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव ई एक्सपोनेंशियल का क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के चैप्टर में, तो उसी तरह से हम इस पे जो है परफॉर्म करेंगे वो फार्मूला। ई रेस्ट टू पावर जो भी है वो एज इट इज आप लिखें और फिर उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, टू एक्स इसका डेरिवेटिव बनेगा, ये हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ चुका है सी इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वेयर इंटू टू एक्स। अब सी इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वेयर आप अगर देखें तो वाई के इक्वल है, हमारे सॉल्यूशन वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, उसमें वाई के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई इंटू टू एक्स या टू एक्स वाई इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। डी वाई और डी एक्स किसके इक्वल आ गया, टू एक्स वाई के इक्वल आ गया। मैंने इसको क्यों वापस वाई पुट किया, मैंने ऐसे ही क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि आप यहाँ से देखें तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है या सी कहीं पे भी नहीं यूज हुआ, इसलिए मैंने दोबारा से अपनी इक्वेशन यूज की सॉल्यूशन इक्वेशन। तो उसमें से जो वाई यानी कि सी ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर जिसके इक्वल आ रहा था वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर वाई, ठीक है। तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है, अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, तो पुटिंग पुटिंग डी वाई ओवर डी एक्स या इसे हम कहते हैं पुटिंग दिस वन इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमें हमारे पास आता है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वन ओवर एक्स है, वन ओवर एक्स इन टू, टू क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू यूज करेंगे टू एक्स वाई। उसके बाद माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। ये एक्स जो है इस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास टू वाई बचेगा, टू वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। मतलब कि टू वाई माइनस टू वाई जीरो हो जाएगा और इक्वल टू जीरो ऑलरेडी मौजूद है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसकी मदद से आई है, हमारे सॉल्यूशन इक्वेशन जो हमें गिवन था, ठीक है, उसकी मदद से। मतलब कि हम आप कह सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यस इट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमने इस मैं यानी कि प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो इसी तरह से बाकी पार्ट्स जो हैं, बाकी दो पार्ट्स वो भी आपने इसी तरह से प्रूव करना है कि पार्ट नंबर थ्री जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, थोड़ा सा गाइड मैं करूँगा। वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ई रेस्ट पावर टू एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। उसके अलावा हमें जो इक्वेशन गिवन है यानी कि सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, या जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन जो गिवन है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ से हमने जो है ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ई पावर टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस सी, क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। ये कैसे चेक करेंगे कि आप सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, मतलब कि मैं डेरिवेटिव फाइंड कर देता हूँ, ये आता है टू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर टू एक्स इन टू टू एक्स, ठीक है, अगर ई पावर टू एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं ये आता है प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव इज टू,
और सी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगा, टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस टू, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि अच्छा टू वाई के साथ डी वाई और डी एक्स भी मौजूद होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि वन तो नहीं होगा ना वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, और न्यूमरेटर में भी टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। अच्छा अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि वाई डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये टर्म मौजूद है तो हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है, और टू को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स ई रेस्ट पावर टू एक्स यहाँ पर रहेगा और प्लस वन इस टू के साथ भी डिवाइड होगा, ठीक है, तो वाई डी वाई और डी एक्स हमारे पास ये आ गया, इसको आपने यहाँ पर पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये राइट साइड यानी कि वन के इक्वल आता है या नहीं आता, अगर आता है तो आप कहेंगे कि ये वाकई इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज ये सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करेंगे।